शहर की ताजा खबरें देखने के लिए एनबीसीएन न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शहर वासियों के लिए एक बड़ी खबर, अभी तक क्वारंटाइन किए गए पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी, मगर मंगलवार को एक ऐसे 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नागपुर के शहरवासियों के लिए एक दुखद समाचार सामने आया है। शहर में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे क्यों ना हो बढ़ जा रहा है। शहर के हॉटस्पॉट रहे सतरंजीपुरा और मोमिनपुरा से हजारों की संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया गया और कुछ ही दिनों से इनमें से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। एक पल ऐसा लग रहा था कि शहर कोरोना की चेन तोड़ने की ओर बढ़ रहा है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बुधवार की सुबह शहरवासियों के लिए एक दुखद खबर लाई। शहर के दक्षिण नागपुर स्थित पार्वती नगर में रहने वाले 25 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई। इस युवक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर वो इस जंग में हार गया और उसकी मौत हो गई। पूरे देश में कोरोना वायरस के 50,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में नागपुर भी कहीं पीछे नहीं रहा है। नागपुर में आज कोरोना वायरस के चलते तीसरे की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह 22 साल का युवक रामेश्वरी पार्वती नगर स्थित रहता था। मरने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन जागरूक हो चुका है। शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 170 के करीब पहुंच चुकी है। जब से ये पता चला है कि एक पॉजिटिव की मौत हुई है, पूरे शहर में बहुत हड़कंप मची गई है। रामेश्वरी पार्वती नगर एरिया दक्षिण नागपुर अब तक ग्रीन जोन में माना जा रहा था, मगर आज एक पॉजिटिव आने से पूरे शहर में सनसनी मच चुकी है। रामेश्वरी पार्वती नगर का एरिया कुछ ही देर में सील होने वाला है और ये एक बहुत एक चिंताजनक बात होगी कि मृत्यु होने के बाद ये पता चला है कि वो युवक पॉजिटिव था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ इमरान शेख, बीसीएन न्यूज, नागपुर। मेडिकल प्रशासन ने उसकी कोरोना की जांच भी की थी और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस मामले से कोरोना का कहर बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ये मृतक एक युवक था। वो इतने दिन तक कहां कहां गया, किससे मिला, इसकी जानकारी मनपा अब ले रही है। इस मामले में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।